हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट वीनू सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या ई रिक्शा सोलर के ऊपर चल सकता है। यही सर्वे करने के लिए हम आज आ रखे हैं बदरपुर बॉर्डर के मेट्रो स्टेशन के पास और हमने जो है आज कुछ भाइयों से इस बारे में बात भी की है। चलिए हम देखते हैं ई रिक्शा सोलर के ऊपर चल सकता है कि नहीं, इस बारे में हम कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि ई रिक्शा के साथ मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं। नंबर टू, ई रिक्शा में कितनी बैटरी लगती है। ई रिक्शा एक बार में चार्ज करने के बाद कितने किलोमीटर तक चल जाता है। नंबर फोर, ई रिक्शा का जो है रूफ स्पेस कितना होता है। क्या ई रिक्शा के ऊपर सोलर पैनल लगने के बाद इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भवत ओसराया है, वेस्ट बंगाल से हो। अच्छा, तो भैया आप कितने साल से बैटरी रिक्शा चला रहे हैं? 5-6 साल। अच्छा, दिन में कितने घंटे बैटरी रिक्शा चलता है? लगभग 8 घंटा चल जाते हैं। अच्छा। एक बार चार्ज करने के बाद, तो एक बार चार्ज करने के बाद 8 घंटा चल जाता है। हाँ, 8 घंटा चल जाता है। एक बार चार्ज करने के लिए कितना घंटा बैटरी को चार्जिंग पे लगाए रखते हैं? लगभग 9 बजे से सुबह 5 बजे तक, तो वही 8 घंटा। 9 बजे से सुबह 5 बजे तक, यानी कि 8 घंटा आप बैटरी को चार्जिंग पे लगा के रखते हैं। अच्छा, एक बार चार्ज करने पे कितना किलोमीटर चल जाता है? ये तो बैटरी पुराना हो चुका है तो 50 किलोमीटर चलते हैं लगभग। और नया बैटरी कितना किलोमीटर चल जाता है? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। इसमें कितने बैटरी लगे हुए हैं? 4 बैटरी है। अच्छा, 4 बैटरी लगा हुआ है, जरा दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इसमें बैटरी फिट कर रखी है और 2 बैटरी आगे वाली सीट के नीचे है और ऐसी ही 2 बैटरी जो है पीछे वाली सीट के नीचे है। एज का बैटरी है ये? 48 वोल्टेज का होता है। एम्पियर में 12 वोल्टेज। चार जो है वो 850 वाट तक पड़ेगा। नहीं, आपको क्या लगता है इस पर सोलर यदि लगाया जाए तो क्या हेल्प मिलेगा? बहुत हेल्प मिलेगा, मतलब सोलर लगा देने के बाद पूरा दिन ही चल जाएगा, और ऐसे तो पूरा दिन चल नहीं पाते हैं। तो इनका कहना ये है कि सोलर लगाने के बाद जो है ये पूरे दिन बैटरी रिक्शा चला सकते हैं, अदरवाइज जैसे जैसे दिन का समय होता है तो बैटरी रिक्शा का जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर इस पे सोलर रहेगा तो ये शाम तक जो है उसी गति से चलते रहेंगे जिस गति से ये सुबह चलते हैं। दोस्तों, अभी हम ई रिक्शा देख के आए हैं और उसकी छत का जो है हम नाप लेके आए हैं। अब हम आपको मोनोक्रिस्टलाइन पैनल दिखाने वाले हैं जिसको आप अपने ई रिक्शा की छत पे लगा सकते हैं, जो कि आपको शेडो तो प्रदान करेगा ही करेगा, बाकी हम इसको मेजरमेंट के हिसाब से भी नाप के दिखा सकते हैं। ये जो है काफ़ी इफ़िशियंट पैनल है आपके ई रिक्शा के लिए, जिससे कि आपकी पूरी छत कवर हो जाती है। आपके ई रिक्शा में जैसे कि 48 वोल्ट की बैटरी लगी होती है, 12-12 वोल्ट के 4 बैटरीज होती हैं। तो अब हम इसका मेजरमेंट लेके आपको दिखाते हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर हमारे कई सारे ई रिक्शा वाले दोस्त हैं जिन्होंने कि अपने ई रिक्शा के ऊपर ये पैनल लगाया है और उनका ई रिक्शा वो पैनल लगाने के बाद काफी अच्छा चल रहा है। दोस्तों, अब हम इसका मेजरमेंट लेंगे। ये देखिए, तो दोस्तों इसकी हाइट जैसे कि आप देख सकते हैं ई रिक्शा की जो छत है उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक ठाक है। इसकी हाइट ये देखिए तकरीबन 6.5 फुट है। और अब हम इसकी चौड़ाई नापते हैं। ये देखिए, ये 3 फुट से थोड़ा सा ज्यादा है। ये आपके 4 सीटर ई रिक्शा के ऊपर आराम से आ सकता है। दोस्तों, ये लूम सोलर का 375 वॉट का पैनल है जिसको लगाने के बाद हमारे कई सारे ई रिक्शा सही सलामत चल रहे हैं।
ये काफी इफिशियंट पैनल है और अभी तक जिन लोगों ने ये पैनल अपने ई रिक्शा पे लगाया है उनको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें, और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप इसको शेयर जरूर करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो भी इसको लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आगे मिलते हैं ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।